नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। देश में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति बदल चुकी है। नई शिक्षा नीति के लागू हुए 2.5 साल हो चुके हैं। कई राज्यों में इस पर तेज गति से पहल करना कई राज्यों ने शुरू कर दिया है। नई शिक्षा नीति को व्यवहारिक, लचीला और बहुविषयक बनाकर भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की योजना है। इसमें फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करना भी शामिल है। 2 दिन पहले ही UGC की ड्राफ्ट सामने आई, जिसमें कुछ शर्तों के साथ विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कहीं भी अपना कैंपस खोलने की इजाज़त होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बदलते भारत के लिए क्रांतिकारी माना जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 2.5 साल बाद हम कहाँ पहुँचे हैं, आज मुद्दा में इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव मोहन पंत, राजीव गांधी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर बन्यामुद्दीन, असम शिक्षा विभाग में CRCC और शिक्षक रामेश्वर शर्मा और गुवाहाटी मेट्रो के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स अपूर्व ठाकुरिया भी हमसे कुछ ही समय में जुड़ जाएंगे। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले आज हमारे जो मेहमान हैं, इनसे पहली प्रतिक्रिया जानेंगे कि आज हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू हुए 2.5 साल हो चुके हैं और आज हम कहां तक आगे बढ़ पाए हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बारी बारी से हम पूछना चाहेंगे और प्रोफेसर साकेत कुशवाहा के पास चलते हैं। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, आपसे ये जानना है कि 2.5 साल हो चुके हैं और अब हम कहां तक बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। पहले नववर्ष की मंगल कामनाएं सभी के लिए। आपने सही कहा कि 2.5 वर्ष गुजर चुके हैं और हम कहां पहुंचे, ये सवाल खड़ा है हम सबके सामने। मैं आपको बताऊं कि अगर सब मिला के देखा जाए तो 17 वर्टिकल्स पे काम हो रहा है। सभी यूनिवर्सिटी इन 17 मुद्दे पे काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पे काम ज्यादा हुआ है, कुछ जगहों पे काम कम हुआ है। उदाहरण के तौर पे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की हम बात करें तो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने विश्वविद्यालय में और सभी डिपार्टमेंट्स में काम शुरू हो गया है। 30% अगर मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो तकरीबन 30% डिपार्टमेंट्स में ये लागू हो चुका है। और मैं आपके पहले भी बता दूं कि जब से विकास देश में सिस्टम आया है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और प्रोफेसर साकेत, आपको रोकना चाहेंगे, माफी चाहते हैं, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे। तब तक दूसरे मेहमान से बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इग्नू के रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर, इग्नू के रीजनल सेंटर के असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर बन्यामुद्दीन। डॉक्टर बन्यामुद्दीन, सबसे पहले कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इग्नू 4 मिलियन से भी अधिक स्टूडेंट्स को इनरोल करता है और इस तरह से इग्नू भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक अहम कड़ी है। इग्नू में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो इनरोल्ड हैं और अपना भविष्य भी देखते हैं। इग्नू NEP को ध्यान में रखते हुए इग्नू किस तरह की पहल कर रहा है और किस तरह का कदम उठा रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब और आज के मेहमान लोगों से आप अभिनंदन और शुक्रिया। इग्नू के लिए मैं बता दूं तो हम इग्नू रीजनल सेंटर गुवाहाटी में ही काम करते हैं, फिर भी इग्नू ने बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन लेवल में बहुत अच्छा तरक्की में लाया है, क्योंकि हर फील्ड में कोशिश है कि हर जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में जो दिया गया है प्रिंसिपल्स जो है, इक्विटी है, एसेसिबिलिटी है और अफोर्डेबिलिटी है, क्वालिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, ये चीज़ें इग्नू की पहले से भी जो मोटो था, ऑब्जेक्टिव था, उससे ज़्यादा फाइन ट्यूनिंग ही है और अच्छे से उसी के साथ हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जो लेवल का इग्नू के लेवल से हम लोग कोशिश कर रहे जो मकसद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में दिया गया है 2035 तक की हम लोग को 50% की
GER ग्रोथ इनरोलमेंट रेशियो जो है हर एजुकेशन में होना चाहिए, उसकी उसकी उसको अचीव करने के लिए हम कोशिश इग्नोर ही कर रहे हैं कि अपना जो प्रोग्राम्स ऑफर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, 254 प्रोग्राम्स ऑन ऑफ़र अभी चल रहे हैं। साथ साथ उसके साथ साथ अभी अभी हम लोगों का ऑनलाइन प्रोग्राम में भी जो पहले से बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं, ड्यूअल प्रोग्राम अभी जो परसू कर रहे हैं इग्नो में, एक तो ODL ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, एक दूसरा ऑनलाइन प्रोग्राम में भी ज़्यादा इंफेसिस हम लोग इग्नो दे रहे हैं। इसमें 41 प्रोग्राम्स ऑन ऑफर अभी भी है, ये नंबर वन। नंबर टू में जो ड्यूअल मतलब कि साइमल्टेनियस एडमिशन के बारे में UGC और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी दिया गया है, उसको नोटिफिकेशन फॉर्म में अलाउ कर दिया गया है, उसके नोटिफिकेशन इशू कर चुके हैं, ये सितंबर में ही इशू कर चुके हैं 2020 सितंबर में भी। और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम एकेडमिक प्रोग्राम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इम्फेसिस था उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 में, उसकी पहल में भी इग्नो ने शुरू कर दिया है, उसका भी नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, और उसमें 23 प्रोग्राम प्री एग्जिट के लिए दिया गया है और 22 मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स एंड 1 बैचलर डिग्री प्रोग्राम, उसमें एग्जिट ऑप्शंस डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के ऑप्शन वो भी दिया गया है। उसके साथ साथ मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच जो है उसमें भी इग्नो ने एक पहल अच्छे पहल किया है, वैसे तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया के लिए किया गया था, CBCS क्रेडिट बेस्ड सिस्टम जो है इग्नो ने फॉलो किया है, उसी फॉलो करके ग्रेजुएशन लेवल में अभी जो है सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट डिफरेंट वो करके हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट बना के साइंस के स्टूडेंट को भी आर्ट्स में जो कोर्स जो है हम लोगों का कोर्स ऑप्शन दिया गया है एबिलिटी एनहांसमेंट स्टडीज़ वाला कोर्सेस है, और इन्वायरमेंटल साइंस की लैंग्वेज की कोर्सेस है, और स्किल इन्हांसमेंट कोर्सेस है, ये भी इंक्लूड कर दिया गया है। एक खास इग्नो को एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंटरेस्ट किया गया, मतलब कि हम लोगों को सौंपा गया है, एक इम्पोर्टेंट जिम्मा दिया गया है इग्नो को, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को जिम्मा ये है कि टीचर जो है हमारा दिल है, हार्ट है, टीचर के बिना हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में पूरा मकसद जो है पूरा करने के लिए आप टीचर ट्रेनिंग की बात कर टीचर ट्रेनिंग की बात तो थोड़ा रुक जाइए, हम जी 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 ग्राउंड सबसे जी 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 ले लेते हैं। रामेश्वर शर्मा है हमारे साथ, शिक्षा विभाग में CRCC और शिक्षक है। रामेश्वर शर्मा, अगर हम बुनियादी तौर से बात करें जो प्राथमिक शिक्षा है और उससे लेकर हायर एजुकेशन तक की पूरा एक प्रारूप है NEP में, और इसमें अब 5+3+3+4 का कोर्सेज जो बनाया गया है, पहले जो 10+2 हुआ करता था अब वो इस स्वरूप में है, इसे देखते हुए प्रारंभिक रूप से किस तरह से पहल की जा रही है असम की, अगर हम शिक्षा विभाग में देखें, क्योंकि असम के शिक्षा विभाग में 2022 में भी इसे लागू करने की बात कही गई है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपको और आपकी टीम को साधुवाद देता हूँ कि नए वर्ष की सुबेला में और नए वर्ष के प्रथम सप्ताह में आपने शिक्षा के जैसे महत्वपूर्ण विषय को मुद्दा बनाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस टीम को। इसके बाद आपके माध्यम से सभी पैनलिस्ट और अपने आपके दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूँ। शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी सभी को पता है। अब हमारे स्कूली शिक्षा में इसका बहुत अधिक महत्व भी है और इसे तेज़ी से लागू करने के प्रयास शुरू हो गए हैं। जैसे सबसे पहली बात कही गई, इसमें 5+3+3+4 की बात है, 5 मत कहने का अर्थ हो गया 3 साल प्री प्राइमरी के बच्चे, यानी प्री जो हमारे अंग्रेजी स्कूलों में है परंपरा ऐसी कि 3 साल प्राइमरी में करवाया जाता है, इसके बाद 1 और 2 में जाते हैं, तो ये 5 साल उनके हो गए। इसके बाद के 5 साल क्लास 3 से 5 कक्षा तक के लिए 3 साल, इसके बाद के 3 साल 6ठी और 8वीं कक्षा तक के लिए, और बाकी के 4 साल जो हैं 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं आंगनवाड़ी केंद्र, हमारे यहाँ पहले समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ये आंगनवाड़ी केंद्र संचालित होते थे, अभी इन्हें शिक्षा विभाग के अंतर्गत लाया गया है और इनकी देख विभाग निगरानी कर रही है। आपको पता ही है हम कि हमारे यहाँ आदर्श विद्यालय आंगनवाड़ी विद्यालय बनाए जा रहे हैं और इनका निर्माण बड़ी तेज़ी से हो रहा है, और इन
इसकी जो बनाई इनका जो निर्माण किया जा रहा है उसमें देखा जा रहा है कि इसके अंदर की जो आधारभूत संरचनाएं हैं उससे उत्तम उत्कृष्ट श्रेणी का बनाने के लिए बनाए जा रहे हैं और ये लोगों को आकर्षित भी कर रहे हैं। इसके बाद हम ऊपर के प्रथमी पहली और दूसरी कक्षा के लिए बात करें तो वो भी एक साथ इसी में आ जा रहे हैं। अब तैयारी की बात में कहते हैं तो ये हम युद्ध स्तर पर इसके लिए लगे हुए हैं। पहली हमारे यहाँ अपने असम निपुण असम की बात हम कर रहे हैं। निपुण असम निपुण भारत से बना। निपुण भारत में तीसरी कक्षा तक के बच्चों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से पाठ्य पुस्तकें या उनके लिए TLM स्टडी मटेरियल जो बनाए जा रहे हैं उनका तेज़ी से काम हो रहा है। हमारे यहाँ निपुण असम के तहत भी यह काम जोर शोर से चल रहा है। तो मैं खुद सौभाग्यशाली हूँ कि इसके लिए जो स्टेट रिसोर्स ग्रुप है SRG उसका एक सदस्य हूँ और उसके डेवलपमेंट जो मटेरियल्स डेवलप किए जा रहे हैं उसमें मैं लगा हूँ। तो उसका काम हम प्राय ख़त्म करने की ओर आ चुके हैं और आशा है कि अगले साल जब हमारा अप्रैल से पहला सेशन शुरू होगा तो हम सारे मटेरियल सारे बच्चों के हाथ में हम दे देंगे जी। ये धीरे धीरे जो हमारे और भी मेहमान जुड़े हुए हैं आप उनसे भी हम उनका भी रुख करेंगे लेकिन आवाज़ में थोड़ी दिक्कत है उसको हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी आपने विस्तार से बताया कि किस तरह से जो शुरुआती शिक्षा है उस पर काम शुरू हुआ है लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि अभिभावक और छात्र इस चीज़ को समझें कि अब जो शिक्षा व्यवस्था है वो बदल चुकी है समय भी बदल चुका है। जो स्थिति हमने पिछले 2 साल में कोरोना काल में देखा कि छोटे छोटे बच्चों को भी ऑनलाइन सीखना पड़ा ऑनलाइन डिजिटल जो एडुकेशन है वो किस तरह से होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा तो ये अचानक से करना पड़ा हालांकि वो धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई थी। अब वो आदत बरकरार रहे क्योंकि NEP में भी वो बात कही गई है कि आने वाले दिनों में डिजिटल शिक्षा इस पर गौर किया जाएगा इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है। हाँ ये भी सही बात आपने कही कि अब हमारे यहाँ मैं आपके टॉक शो में पहले भी आया था और इस विषय पर हमने चर्चा की थी कोरोना काल में मुझे याद है। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है दीक्षा नाम का एक प्लेटफॉर्म हमारा पहले से काम कर रहा है। इसके साथ अन्य जो OER हैं या प्लेटफॉर्म से हम उनका उपयोग करके बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको आश्चर्य जगह सुनकर कि मेरे ही एक विद्यालय में नौतन फड़ासिल टाउन हाई स्कूल है जो मेरे अधीन है उसमें अक्षर फाउंडेशन के सहयोग से 200 टैबलेट लेकर के हम बच्चों को क्लास करवा रहे हैं आज की तारीख पर। और कुछ NGOs के सपोर्ट से हमारे पास 3 स्मार्ट TV उस स्कूल में हैं। तो हम उस दिशा में सबके सहयोग से सरकार के साथ साथ अपने समुदाय के लोगों के सहयोग से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और जब मेरे छोटे से क्लस्टर में ये स्थिति है तो असम की बात सोच सकते हैं। और यहाँ पर इसके लिए मैं अपने हमारे डायनेमिक MD सर जो हैं SSA के ओम प्रकाश सर उनका बहुत योगदान है। उन्होंने एक नई अवधारणा हमें दी है कि हमें कैसे काम करना है और उनके साथ हम तेज़ी से काम कर रहे हैं और इसमें जल्द ही हम बहुत अग्रसर होंगे जी। डॉक्टर बनियामुद्दीन आपसे ही जानना चाहेंगे कि अब ये बदल चुका है स्वरूप बदलेगा 5+3+3+4 तो इसे देखते हुए जो 10+2 की अवधारणा थी अब तक की उसी के हिसाब से कोर्स करिकुलम बने हुए थे फ्रेमवर्क बना हुआ था पूरी तरह से उसको बदलने में कितना समय लगेगा अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की बात करें इंस्टीट्यूशंस की बात करें उसमें समय लग सकता है। समय थोड़ा बहुत लग सकता है लेकिन हम लोगों की जो ऑब्जेक्टिव जो है अपना अपना स्टेज का अपना अपना जो उसी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उसी के बेस पे है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा डर है क्योंकि इस बार जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है ये 34 ईयर्स की बात आया है तो पूरा समय बदल गया है और शेड्यूल बदल गया है सिस्टम बदल गया है टेक्निकल थिंग बदल गया है सब चीज़ बदल गया है। उसको पूरा ट्यूनिंग करने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है लेकिन एफर्ट्स करने से उसको इतना टाइम लगने का मेरा वो नहीं लगता। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना ज़रूरी है हर स्टेट के लिए मतलब कि कंकरेंट लिस्ट में आता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही पूरा इसमें नहीं आता है तो इसलिए स्टेट हर स्टेट में भी अपने अपने लेवल पे अच्छे से वो करेंगे स्मूथली काम करेंगे तो इसको इतना टाइम
मेरे हिसाब से तो नहीं लगना चाहिए। तो एक तरह से इसमें समय लगेगा, 2030 तक काफ़ी बदलाव होने हैं। बीएड कोर्सेज के बारे में भी कहा गया है, चार साल का जो बैचलर कोर्स है उस पर भी आपकी राय हम चाहेंगे। हालांकि और भी मेहमान जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ी सी समस्या है ऑडियो में, तो हम आपसे ही जाना चाहेंगे, चार साल के जो कोर्सेज हैं उसमें कभी भी आप एग्जिट हो सकते हैं, ये बदलाव होने जा रहा है, होने जा रहा तो है। तो उसमें अगर आप कभी भी हम बीच से निकल जाएं तो भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, अलग अलग नाम दिया गया है। जी जी जी। आने वाले दिनों में इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इस बार में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस बार के बना हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा स्टूडेंट के लिए, खासकर छात्र छात्राओं के लिए। क्योंकि पहले होता था 3 साल तक पूरा कर लिया, उसके बाद 3rd साल में कहीं न कहीं वजह से, किसी न किसी वजह से उनको वो कंप्लीट नहीं कर पाते, तो पूरा 3 साल का मेहनत जो है पूरा चले जाते थे। जी। इस बार में क्या किया है कि एकेडमिक बैंक को क्रेडिट ABC करके ऑप्शन दिया गया है। ABC की मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसी बैंक ऑफ क्रेडिट के हिसाब से उनको अपना फर्स्ट ईयर में कंप्लीट हो गया, सेकंड में कंप्लीट हो गया, थर्ड में हो गया या उसमें कंप्लीट हो गया, उसी हिसाब से पार्ट बाय पार्ट मल्टी एग्जिट एंड एंट्री पॉलिसी इसके साथ साथ लिंकअप करके जो प्रोसेस है डिप्लोमा लेवल पे, सर्टिफिकेट लेवल पे या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल पे डिग्री दिया जाएगा। साथ साथ कहीं मूवमेंट, कहीं ना कहीं कहाँ से मूवमेंट चलता है वो वाला, कहीं दूसरा इंस्टीट्यूशन से कहीं इंस्टीट्यूशन में चला जाता है तो उनका क्रेडिट जो है वैसा ही पड़ा रहेगा, उसको बेस पे वो यूज़ करके जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का जो ऑप्शन है जो पहले कर चुके हैं उसको उसी क्रेडिट, पहले के क्रेडिट बैंक है उसमें से ले करके सेकेंड या थर्ड ऑप्शन में आ जाएगा। ये बहुत अच्छा लैंडमार्क डिसीजन मैं मानता हूँ। इस पर हम विस्तार से और बात करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर और नई शिक्षा नीति पर जो लागू हो चुकी है और इसके कुछ समय निकल गए हैं, आने वाले दिन किस तरह से होने वाले हैं और किस तरह से इस पर आगे बढ़ा जाए। हमारे साथ विशेषज्ञ इस पर जुड़े हुए हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा हमसे जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, ब्रेक में जाने से पहले हमने 2-3 अहम चीज़ों पर बातचीत की और हम चाहते हैं कि आप भी इस पर प्रकाश डालें तो लोगों को और भी समझ में आएगा। जिस तरह से ये 4 साल के कोर्सेज जो बैचलर डिग्री का हुआ है इसमें कभी भी हम एग्जिट हो सकते हैं और इस पर सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, यानी कि काफ़ी बदलाव होने जा रहा है। साथ ही अगर इस पर ट्रेनिंग की बात करें, जो शैक्षणिक संस्थान हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं और फैकल्टी ट्रेनिंग की बात होती है जिससे NEP को लागू करने में स्मूथली हम इस पर आगे बढ़ सके, इस पर क्या राय है सर? आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, म्यूट हो गया है? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। जी राइट राइट, मैं कह रहा था कि ये जो हमारा मल्टीपल एंट्री एग्जिट है, यानी कि जैसे बच्चा 1 साल पढ़ना चाहता है और पढ़ के निकलना चाहता है और उसको सर्टिफिकेट मिलेगी, इसको तय करना पड़ेगा उसको 1 सेमेस्टर पहले ही, जिससे हम उसको कम से कम सेमेस्टर एंड में एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स दे सकें, 4 यूनिट का या 6 यूनिट का कोर्स दे सकें, तब वो एग्जिट ले सकता है। मुझे लगता है कि अभी इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को या अभिभावकों को इसको बताना पड़ेगा। जी, अभिभावकों को ये अवेयरनेस जो है वो फैलाना पड़ेगा कि उसको एक स्पेशल कोर्स जब लेगा, वो ट्रेनिंग करेगा। हाँ, तो एक तो ये हो जाएगा, फिर वो जब 2रे साल में, और उसका भी एक लिमिट है कि आप कितने साल तक बाहर रह सकते हैं, अभी उसके ऊपर चर्चा UGC कर रही है। और मुझे लगता है कि एक थंब रूल है हमारे पास कि अगर डिग्री 4 साल की है तो वो 2 साल एक्स्ट्रा और गुजार सकता है, यानी कि उसको 6 साल के भीतर डिग्री खत्म करनी पड़ेगी। आप ये भी महसूस करिए कि अगर बच्चे को हम इनडेफिनिट तरीके से छोड़ देंगे,
10 साल के लिए वो बाहर चला जाएगा और जब वो लौटेगा तो पूरा कैरिकुलम बदल चुका होगा और उसकी फिर लौटने के बाद की जो परिभाषा होगी वो फर्क होगी। इसलिए इसके लिए एक लिमिटेड टाइम तय किया जा रहा है कि आपको 4 साल की डिग्री के लिए 2 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे या 4 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, उसके लिए UGC चर्चा कर रही है। पूरे देश में एक मिनिमम फ्रेमवर्क के तरीके से काम होगा। जैसे हम अभी तक सिलेबस पढ़ाते थे बच्चों को, तो 75% सिलेबस पूरे देश भर में सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में एक जैसे थे, 25% हम बदलते थे। तो इसी तरीके से ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सारे बच्चों को समझना पड़ेगा और इसमें पोर्टेबिलिटी की जो बात है वो अभी उस पर चर्चा हो रही है, उसमें दिक्कतें बहुत सारी है। उदाहरण के तौर पे जी, अगर बच्चा किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो सरकारी यूनिवर्सिटी में आना चाहता है, हमारी फीस तो बहुत कम है लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में फीस ज्यादा है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या वो कॉलेजेस उस बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। तो सरकार को एक नियम गजट लाना पड़ेगा कि बच्चे को छोड़ने के लिए उनके पास नियम कानून होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एक महीने पहले बहुत सारा हंगामा हुआ। प्राइवेट कॉलेज ने बच्चों की सर्टिफिकेट रखी हुई है और वो पूरे कोर्स की फीस मांगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फीस की वजह से जो पोर्टेबिलिटी है उस पर कठिनाई आएगी। मैंने इस मॉडल पे अफ्रीका में भी काम किया हुआ है लेकिन वहां पे फीस स्ट्रक्चर एक जैसा था। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि NEP में संभावनाएं बहुत सारी हैं और आने वाले 2-3 सालों में या 2030 तक ये सारी चीजों के ऊपर निर्णय सही से आ जाएगा। अभी जो हमारे सामने चुनौतियां ये हैं कि देश में के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जब हमने सारी तैयारी कर ली तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिबर्टी दे दी कि सब आप इस साल भी आप चाहें तो अपना एग्जाम करा सकते हैं, तो हम लोगों ने अपना एग्जाम करा लिया। लेकिन हमारे 5 कोर्सेज में, अंडर ग्रेजुएट के 5 कोर्सेज में हमने CUET में भाग लिया और हमारी सीट नहीं भर पाई पूरी। तो हम लोगों ने सरकार से इस पर चर्चा की और यह हुआ कि इस बार आप और एग्जाम करके भर लीजिए। तो मेरे ये कहने का मतलब ये हुआ कि नियमता ये तो बड़ा सरल दिखता है कि पूरे देश के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे एग्जाम देंगे, आसानी से एडमिशन हो जाएगा, लेकिन जैसे दिल्ली का बच्चा यहाँ आके पढ़ना तो चाहता है लेकिन जब उसको दूरी के बारे में एहसास होता है तो वो अपना एडमिशन डिक्लाइन कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ी अभी चर्चा होनी बाकी है और 2 सालों में इस कठिनाई को दूर कर लिया जाएगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा था जी। काफ़ी आपने विस्तार से इस पर प्रकाश डाला है और लगे हाथ हम कई चीज़ों को जानना चाहेंगे। जिस तरह से CUET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है और CUCET हो रहा है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है, और इसे लेकर ये कहा जा रहा है कि इसने जो है वो कट ऑफ वार को ख़त्म किया है, यानी कि जो दूर दराज इलाके में बैठे बच्चे हैं उनको वही अवसर मिल रहा है जो मेट्रो सिटी में बैठे हुए हैं जिनको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। क्या NEP के पूरी तरह से लागू होने से ये खाई जो है वो पटने वाली है और इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है? मैं आपको बताऊं पूरी ईमानदारी के साथ कि यूनिवर्सिटी ने कट ऑफ पॉइंट खत्म नहीं किया है जी। सारी यूनिवर्सिटी के अपने एलिजिबिलिटी के लिए कट ऑफ पॉइंट बने हुए हैं। ये बात दीगर है कि बच्चा एक ही बार एग्जाम देता है तो उसको पूरे सारे देश भर की यूनिवर्सिटीज में अपनी किस्मत आजमाने का मौका मिल जाता है, उसकी फीस बच जाती है, उसकी जर्नी बच जाती है, वो बात ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पॉइंट खत्म हो गया ऐसा नहीं है, सभी यूनिवर्सिटीज के अपने कट ऑफ पॉइंट हैं। और बच्चा अगर दिल्ली में एडमिशन नहीं ले सकता है तो हो सकता है कि हमारे यहाँ दूर दराज की यूनिवर्सिटी में कट ऑफ पॉइंट थोड़ा नीचे हो तो उसको मौका मिल जाएगा। लेकिन ये बात अगर कोई कह दे कि कट ऑफ पॉइंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, बच्चों को यूनिवर्सिटी की इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी में आना पड़ेगा। तो अब जो मुद्दा है आपके सामने कि क्या बच्चे को फायदा हुआ, बच्चे को फायदा यह हुआ कि पहले सभी यूनिवर्सिटीज के लिए उसको यात्रा करनी पड़ती थी, हर यूनिवर्सिटीज की 1,500-2,000 फीस होती थी। अभी हमारी मुझे लगता है कि 1400 या 1500 रुपए फीस है और वो अपनी फीस भर के सारी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकता है और वहां अपना एडमिशन वो सीख कर सकता है, ये कहा जा सकता है। लेकिन कट ऑफ पॉइंट हट गया है ये बात सही नहीं है जी। एक और सवाल इसमें, एक और इसमें प्रगति ये है कि कुछ सालों के बाद, 15 साल कहा जा रहा है कि 15 साल के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जिन पर एक तरह से बोझ हैं, एफिलिएशन है बहुत सारे कॉलेजों के साथ उनके, ये चीज़ ख़त्म होगी। अब यूनिवर्सिटी
स्वतंत्र होंगी, अपने कार्य वो करेंगी और उनसे ये बोझ उतर जाएगा, इस पर क्या राय रखते हैं सर? अगर मैं बताऊं कि मैं अभी करीब 10 कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देकर आया हूं, अभी के ज़माने में अफिलिएशन देने के बाद कॉलेज जब 5-10 साल अपना टाइम गुजार लेता है और वो कुछ क्राइटेरिया में खरा उतरता है तो ऑटोनॉमी के लिए अप्लाई करता है, यानी कि वो कॉलेज अपनी डिग्री दे सकता है। तो मैं जब जाता हूँ तो मुझे कुछ और भी आवाज़ सुनाई देती है, उसमें एक आवाज़ ये भी होती है कि सर ऑटोनॉमी के बाद मुश्किलें बहुत आती हैं। देखिए अभी हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं लेकिन मुश्किलें बहुत हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लोकल इफेक्ट आने लगता है, अगर कोई कॉलेज ईमानदारी से सिलेबस को पूरी तरीके से कवर ना करे, या इसीलिए UGC ने LOCF बनाया हुआ था, लर्निंग आउटकम जो बनाया हुआ था, और जब UGC अगर LOCF की बात हम ना भी करें, बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, तब भी सारे यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज 75% एक जैसे हैं। तो होता यह है कि अगर हम लोकल इफेक्ट के वजह से कोर्स को 30% ही पढ़ाएं और उसमें एग्जाम ले लें तो वो बच्चा तो कमजोर हो जाएगा। तो होता यह है कि जब ऑटोनॉमी देने की बात आती है तो कॉलेज ये डरता है कि बच्चा हंगामा ना करे, ज्यादा मार्क्स ना मांग ले, लोकल इफेक्ट आएगा तो नेपोटिज्म ना हो जाए, ये सारी बहुत सारी बातें आती हैं। तो कॉलेज को हम लोग अफिलिएशन को बर्डन नहीं मानते हैं, ये बड़े प्लेजर के साथ किया जाता है और हम कॉलेज इससे खुश भी रहते हैं। लेकिन अगर डाउन द लाइन 2030 में कॉलेज को अपनी डिग्री देने की मान्यता मिल जाएगी तो उसको यूनिवर्सिटी जैसा काम करना पड़ेगा, उसको सिलेबस UGC के हिसाब से इंडक्ट करना पड़ेगा, उसकी अपनी एकेडमिक काउंसिल होगी, उसकी अपनी फाइनेंस कमिटी होगी, उसकी अपनी गवर्निंग बोर्ड होगा। तो जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही वो भी काम करेगा मिनिएचर के रूप में, छोटे यूनिट के रूप में, और वो अपने एग्जाम लेगा, एग्जाम को डिक्लेयर करेगा। लेकिन अब आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया के ये भारतवर्ष के कोने में किसी ABCD नाम का कॉलेज है, उसको कितने लोग जानेंगे? और अगर वही डिग्री वो JNU से लेकर आएगा, BHU से लेकर आएगा, तो लोग उसको प्रेफरेंस दे देते हैं, एक ये जनरल मानसिकता हो जाती है। तो अगर वो डिग्री ले भी लेता है कॉलेज से तो शायद पैरिटी में आने में वक्त लगेगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि ये जो प्रयास है, ये जो है वो कितना सफल हुआ और इसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ये मैं इतना कह सकता हूँ जी। प्रोफेसर सागत, बहुत ही अहम टिप्पणी की है आपने, आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे साथ जो और मेहमान हैं उनसे भी उनकी राय ले लेते हैं। डॉक्टर बन्यामुद्दीन, आपसे हमारा ये सवाल है, अगर आपके मन में भी कुछ सवाल हैं, प्रोफेसर साकेत कुशवाहा हमारे साथ हैं तो आप भी उनसे कर सकते हैं। साथ ही आपसे हमारा ये सवाल है, BEd के बारे में कहा गया है कि 2030 तक BEd का जो ये प्रारूप है 2 साल का कोर्स, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, अब 4 साल का कोर्स होगा, यानी कि जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको 4 साल के कोर्स इंटीग्रेटेड वो BEd होगा। इस पर इग्नू की क्या पहल रहती है, इग्नू किस तरह से आगे बढ़ता है? सर के जो जो कहा गया है उस पर मैं पूरा मानता हूँ, जो सर जो इसी फील्ड में सबसे उसी लेवल पे है तो उनका जो भी कहा गया है और जो दिया गया है सबसे अच्छा मैं मानता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, BEd के रिलेटेड तो अभी जो फोर ईयर इंटीग्रेटेड सिस्टम आ जाता है तो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के लिए किस तरह की होगा यह तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे एग्जैक्टली, तो मैं पूरा नहीं बता पाएंगे पूरा क्लियर कट, तो मैं इसमें क्योंकि उस लेवल तक तो नहीं बता पाएंगे। ज़रूर कई जो जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो चेंजेस है उसको इफेक्टिवली इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इम्प्लीमेंट कर रही है, हर चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं उसी के साथ जो किया जाए उसके बेस पे किया जाएगा। लेकिन ये इस तरह की पॉलिसी में तर तो मेरा लेवल पे नहीं है इसलिए मैं उसको क्लियर कर नहीं बता पाऊँगा जी। बिल्कुल, रामेश्वर शर्मा हैं, मुख्य रूप से एक शिक्षक हैं लेकिन ये जो जी, तो रामेश्वर शर्मा जी जो हैं हमारे साथ हैं। रामेश्वर शर्मा जी, पिछले दिनों हमने देखा असम के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछले दिनों बैठक हुई थी और शिक्षा विभाग जो है वो कई स्तरों पर बैठक कर रहा है, असम में जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके प्रमुखों को बुलाया गया, उनके साथ बैठक हुई और इसे किस तरह से अमल में लाया जाए, क्योंकि
राज्य सरकार चाहती है कि एनईपी को जल्दी से जल्दी पूरी तरह से अमल में लाया जाए। प्रारंभिक तौर पर इस पर किस तरह से काम शुरू हो और अड़चनें आ रही हैं, खास करके जब हम छात्रों को और अभिभावकों को लेकर बात करते हैं? तो चूँकि हम नई राह पर चल रहे हैं, या अगर तो कुछ तो कठिनाइयाँ आएंगी ही, कुछ समस्याएं आएंगी, और उन समस्याओं का समाधान निकालना ही हमारे लिए चुनौतियाँ हैं। क्योंकि हम शिद्दत से उसी पर बड़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ आती रहेंगी और उनका समाधान आसानी से होता जा रहा है। पहले चुनौती जैसे हमने कहा कि हमारे पास दाखिले के लिए बच्चों को, लोगों के मन में एक अभी भी अवधारणा है कि जो प्री प्राइमरी की जो कक्षाएं हैं, जैसे प्राइमरी फिर केजी यूकेजी जो अंग्रेजी में माध्यम में जैसे होती है, उनके लिए अलग से कक्षाओं का निर्माण होना चाहिए था। लेकिन इसका हमारे पास अभी फ़िलहाल समाधान यह है कि हम जो हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन केंद्रों को ही हमने प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए कर दिया है। अब कुछ ऐसी स्थिति थी कि कुछ लोगों के पास अपना भवन नहीं था, कहीं चल रहे थे, तो उन्हें पास के स्कूल में उनके लिए बनाया जा रहा था। अभी आपको कुछ दिन पहले, कल या परसों ही से हमारे मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा की कि वो 26 तक सारे स्कूलों को पुनर्निर्माण कर देंगे। इससे हम इस एनईपी 2020 को लागू करने की दिशा में ही हम देख सकते हैं। तो आज के 10वीं तक के जो विद्यालय थे उनका अपग्रेडेशन 12वीं तक कर दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों में अब ये 10वीं वालों को अपग्रेड करके 12वीं तक कर दिया है। आप देखेंगे तो गुवाहाटी मेट्रो में बहुत सारे स्कूल जो पहले 10वीं थे उनके बोर्ड बदल गए हैं, वो 12वीं तक हो गए हैं। तो एक तो इस दिशा में हमने कर दिया कि हमारा 9वीं के बाद 10वीं 11वीं और 12वीं का हम स्कूलों में मिल जाएंगे। हमारे कॉलेजेस के साथ कॉलेजेस को फ्री करके तब यहाँ पर ला दिया जाएगा, लेकिन 9 to 12 के जो कुछ जूनियर कॉलेजेस चल रहे थे पहले, केवल जो 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने अपने आप को 9th से स्टार्ट कर दिया है। ये भी बदलाव आ रहा है और इसके लिए जब भी डिपार्टमेंट से वो प्राइवेट हो या सरकारी है, तो उनका जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, तो यहाँ हमने कर लिया। फिर बाकी के स्ट्रक्चर जो है हमारे पुराने स्ट्रक्चर की तरह ही हैं, जैसे 1 से 5 तक के हमारे बच्चे प्राइमरी में पढ़ रहे थे, वो बच्चे वहीं पे उसी स्कूल पे रह जाएंगे। आपने जिक्र किया प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल्स हैं उस पर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने भी कहा है कि उस पर अभी चर्चा की ज़रूरत है, और हमने वो UGC का ड्राफ्ट के बारे में भी उल्लेख किया जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अपना कैंपस खोलने का एक तरह से उनको अनुमति मिल जाएगी। तो आगे चलकर ये किस तरह से बढ़ेगा, ये चर्चा का विषय है। प्रोफेसर साकेत, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे, साथ ही आपसे एक और सवाल है हमारा जो इसमें बात कही गई है, मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है और भी जो बातें हैं, कई राज्य जो हैं भारत के वो इसे आगे पीछे लागू कर रहे हैं। अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की बात है, असम की बात है, राजस्थान की बात है, और कई राज्य जो हैं इसे साथों साथ लागू करने में वो आगे बढ़े हैं, लेकिन कई राज्य इसमें पीछे हैं। आगे पीछे लागू करने से नई शिक्षा नीति को क्या दिक्कतें आएंगी? मैं जो बात कहना चाह रहा था, जी आवाज आ रही है ना मेरी? जी सुन रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब मैंने हाथ उठाया था वो ये था कि अभी भी यूनिवर्सिटी सिस्टम में 2 साल का बीएड और 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है, हम लोग भी चला रहे हैं उसको। जी आगे आने वाले समय में 2 साल का खत्म हो जाएगा और 4 साल का कंटिन्यू करेगा। एक सवाल ये आता है कि क्या 2 साल के पुराना बीएड किया हुआ वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वो बताना चाह रहा था कि वो वैलिड रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। आपको याद होगा जमाने में 11th क्लास को PUC बोलते थे, 10+2 बाद में आया, कक्षा 10 के बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटीज PUC के नाम पे, यानी कि प्री यूनिवर्सिटी के नाम से एक एग्जाम कराती थी, वो 11th क्लास को रिप्लेस करता था, तो वो बाद में वो भी वैलिड रहा। कहने का मतलब यह है कि जब भी हम कोई नई तब्दीली लाते हैं, कोई चेंज लाते हैं, तो पुराने सिस्टम को वैलिड रखते हैं, ये मैं बताना चाह रहा था। अब बात आते हैं, आपने पूछा फॉरेन यूनिवर्सिटी की बात भी आपने करी। देखिए देश में कभी कभी ये एक भ्रांति सी बन जाती है कि जब हम बाहर वालों को मौका देंगे, विदेश की यूनिवर्सिटी आएंगी, तो हमारा वजूद क्या होगा, हमारा एग्जिस्टेंस के बारे में कभी कभी ऐसी चर्चा होती है। मैं आपको
ताबू की भारतीय परंपरा की में और भारतीय शिक्षा प्रणाली की चर्चा पूरे विश्व भर में पहले से भी होती आई है और हमारी शिक्षा पद्धति अच्छी मानी जाती रही है, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया के अग्रज देशों में डेवलपिंग कंट्री में भी जो पिछाई साहब की बात करिए या बहुत सारी और भी बातें करें तो भारतीय शिक्षा पद्धति से ही वो पढ़ के वहां तक पहुंचे हैं। यानी कि मेरा कहने का मकसद ये था कि विदेशी यूनिवर्सिटीज अगर इस धरती पे आ जाएंगी तो वो हम लोगों से ही पढ़वाएंगी। जी तो जी प्रोफेसर साकेत हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि समय हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो कुछ और सवाल है जो आपके सामने हम रखेंगे। के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं एनईपी के ढाई साल और आगे की राह। एनईपी के ढाई साल हो चुके हैं और आगे किस तरह से बढ़ा जाए, और एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं प्रोफेसर साकेत कुशवाहा। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आपसे कुछ सवाल और हैं। हमारे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात कही जा रही है, यानी कि एक छात्र जो है उसके अब तक के जो परफॉर्मेंस रहे हैं या क्रेडिट रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, वो एक जगह स्टोर होंगे डिजिटली। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि वो आगे चलकर किस तरह कितना हेल्पफुल होगा छात्र के लिए। पहली बात तो ये अभी सभी यूनिवर्सिटीज़ ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी डेटा अपलोड हो रहा है बच्चों को। इसमें मुश्किल जो आ रही है, जो मेरे सामने है, उसको हम लोग दूर कर लेंगे। वो बच्चों को कन्विंस करना कि इस डेटा इसको इसके ऊपर अपना लॉगिन करके अपना आईडी बनाएं। तो अभी मुझे लगता है कि एक वीक पहले यूजीसी ने ये कहा है कि सारी यूनिवर्सिटी मास डेटा का आईडी बना सकती है, तो हम एक आईडी बनाएंगे जिसमें सारे बच्चों को वही आईडी देंगे और डेटा अपलोड करवाएंगे। कुछ मदद हम करेंगे, कुछ मदद वो करेगा। अब बात आती है कि इसका उपयोग क्या होगा। देखिए, अभी अभी तक कोई भी छात्र किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता था, वो पूरी तरीके से एडमिशन लेता है। अब ये होगा कि अगर हमारे पास 100 की वैकेंसी है, यानी कि किसी भी विषय में 100 एडमिशन लेने हैं, तो वो 80 एडमिशन तो हमारी यूनिवर्सिटी में ले लेगा, यानी कि 80 बच्चे तो सीधे हमारी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे। 10 बच्चों को हम ये मौका दे सकते हैं कि आप हमारी यूनिवर्सिटी में 50% कोर्स करेंगे और बाकी 50% कोर्स आप घूम के किसी भी यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। वैसे ही बाकी दिल्ली में जैसे कोई बच्चा कोर्स करना चाहता है, 50% कोर्स वो वहाँ का करेगा, और अगर वो जैसे ट्रैवल स्टडीज़ का कोर्स हमारे पास बहुत अच्छा है तो वो हमारे यहाँ से 10% 20% कोर्स कर सकता है। और जब वो हो सकता है कि ऐसा ही कोई कोर्स उसको झारखंड में अच्छा मिले तो वो झारखंड में कर लेगा। लेकिन और हम सभी लोग इस कोर्स को, उसके रिजल्ट को अपलोड कर देंगे उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा, जब उसका मार्कशीट देना पड़ेगा तो उसको 50% मार्कशीट वो अपने कोर्स की देंगे, 20% मार्कशीट हमारे मार्क्स को वो इंक्लूड करेंगे, और 20% मार्क्स वो झारखंड को इंक्लूड करेंगे, और 10% वो PHU को इंक्लूड कर लेंगे, और उसकी मार्कशीट उसको मिल जाएगी। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का मदद ये होगी कि बच्चा कोर्स करेगा और वो एक ही पॉइंट से एक्सेस होके बच्चे को मार्कशीट मिल जाएगी और बच्चे को डिग्री मिल जाएगी। इसका फायदा ये होगा। और उसका दूसरा फायदा ये होगा कि बच्चा अगर सबटिकल लेना चाहता है, जैसे एक साल पढ़ाई किया और उसने हमको पहले बता दिया कि अगले साल वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, तो मैंने उससे कहा कि किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग कर लो स्किल डेवलपमेंट की और तुमको मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा। तो वो सर्टिफिकेट ले लेगा और उसके क्रेडिट्स को हम जमा कर देंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। जब एक साल बाद वो लौटेगा तो वो एक साल का कोर्स फिर करेगा या 3 साल पूरा कर लेगा तो उसको हम उसकी सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये इस तरीके से काम करेगा जी। एक का फायदा ये होगा। दूसरा फायदा जो मुझे समझ में आ रहा है वो आगे भी चल के क्लैरिटी आ जाएगी कि बच्चा जब चाहेगा अपने मार्कशीट को किसी भी एम्प्लॉयर को भेजना होगा तो वो उसको प्रॉम्प्ट कर देगा, उसको सूचना दे देगा, और वो एम्प्लॉयर जो है उस बच्चे को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और OTP आएगा। बच्चा अगर उस OTP को क्लिक कर देगा
तो उसकी मार्कशीट उस एम्प्लॉयर को सीधे पहुंच जाएगी और हमको भी यूनिवर्सिटी को भी एक सूचना मिल जाएगी कि उस बच्चे की मार्कशीट वहां गई है, और अगर वो हमसे वेरीफाई करवाना चाहता है तो वेरीफाई भी करवा सकता है, अदरवाइज वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अपने आप में एक वेरीफाइंग इंस्टीट्यूशन की तरीके से भी काम करेगी। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, अगर इसको हम ढंग से इस्तेमाल करना जान जाएंगे तो मुझे लगता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक रिफॉर्म आ जाएगा और बच्चे को सहूलियत हो जाएगी। जी, अगर आप जो कह रहे हैं सर, अगर ये अगर इस तरह से लागू हो गया और लोग इसको समझ लिए तो लगता है कि बहुत सारा काम जो है वो एक ही बार में आसान हो जाएगा अगर इसको लोग समझ लें, क्योंकि एम्प्लॉयर्स को अगर इसी सूचना मिलती है कि क्या परफॉर्मेंस है कैंडिडेट की, और उससे इंस्टीट्यूशन को भी सूचना मिलती है अगर क्या है, तो वेरीफाई करने में भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से कई सवालों का हल है जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। फिलहाल और भी सवाल हैं हमारे साथ, आप जुड़े रहिए। इग्नू के असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे साथ हैं, रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर बनियामुद्दीन, डॉक्टर बनियामुद्दीन। इग्नू किस तरह से आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि एनईपी में रीजनल लैंग्वेज को काफ़ी तरजीह दी गई है, और जो जो कोर्सेज हैं वो भी आप इसी के लाइन में तैयार हो रहे हैं। इग्नू किस तरह से आगे बढ़ रहा है? इग्नू के लिए इसमें एक चीज़ बहुत अच्छा पायनियरिंग ये मानते हैं कि जो डिसीजन मानते हैं इग्नू का, एक तो जस्ट इमीडिएटली जो रीजनल लैंग्वेज को ये प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब कि इसको ये करने के लिए इग्नू ने शुरू किया है। लास्ट ईयर मीन्स 2021 जनवरी से ही शुरू किया था। एक तो लाइव काउंसलिंग चैनल्स इग्नू को अभी मिला है, 4 स्वयंप्रभा चैनल्स इग्नू को दिया गया है, अपार्ट फ्रॉम इग्नू के अपना ज्ञान दर्शन चैनल है। उसमें रीजनल लैंग्वेज 14 लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है, उसके लाइव काउंसलिंग किया जा रहा है CBCS कोर्स ग्रेजुएशन लेवल के लिए। असमीज ये भी एक इसमें उसी में इंक्लूडेड है। असामीज के लिए दिसंबर 30 तक की हम लोगों की जो कर चुके हैं लाइव चैनल जो है उसमें 233 हम लोग की क्लास कर चुके हैं। कॉमन जनरल कोर्सेस है, सोशल साइंस के, मतलब कि सोशियोलॉजी में है, हिस्ट्री में है, इकोनॉमिक्स में है, साइकोलॉजी में है, एनवायरमेंटल साइंस में है, इस चीज़ों में। ये पूरा रिपोजिटरी हम लोग की यूट्यूब में भी है, और टाइमिंग हम लोग का लाइव काउंसलिंग है, ये स्वयंप्रभा चैनल 18 में इसमें ये दिया गया है। तो वहाँ कोई भी इग्नू के स्टूडेंट के अलावा किसी का भी कोई भी यूज़ कर सकता है, इसको देख सकता है। 12:20 से शुरू होकर 1:20 जो मंडे से फ्राइडे तक की ये प्रोग्राम चलता है, एक तो नंबर वन। दूसरा एक इम्पोर्टेंट जो मैं शुरू में ही कहना चाह रहा था लेकिन जो टाइम के लिए वो नहीं कह पाया, एक तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसने इग्नू को एक इम्पोर्टेंट जिम्मा सौंपा गया है कि जो टीचर्स है, फैकल्टीज है, इसी के बेस पे ही इम्प्लीमेंटेशन लेवल की स्मूथ होना टीचर और फैकल्टी की मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसके लिए इग्नू को जिम्मा दिया गया है जितना भी राउंड और 15 लाख ऑल ओवर इंडिया का उसको ट्रेन करने के लिए, मीन्स अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 उसमें दिया गया है। उसी में अभी तक के 54,000 के करीब ने रजिस्ट्रेशन लिया गया है, आसाम से भी लिया गया है, राउंड आउट 400 रीजनल सेंटर गुवाहाटी का है। लेकिन जो थोड़ा सा उसमें आसाम की फैकल्टीज़ में थोड़ा सा उसको ये फॉरवर्ड आना थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं इसकी मौका लेकर रिक्वेस्ट करता हूँ जो इनका है इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा उनको। 6 दिन का ही प्रोग्राम है, 36 आवर का ही है, और इसमें जुड़ने के लिए वेरी सिंपल है। जस्ट उसको ज्वाइन करने के लिए सिंपल इंस्टीट्यूशन ने दिया हुआ आई कार्ड है, फ़ोटो है, और सिग्नेचर दे करके रजिस्टर कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में ही है। और ये वाला जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UGC ने मान्यता दिया हुआ प्रोग्राम है, इसमें अपना API के लिए अपना करियर एडवांसमेंट के CES में भी ये मान्यता मिलेगा जी, इसीलिए ये चीज़ें अभी चल रही है। प्रोफेसर साकेत कुशवाहा सर, आप हमारे साथ हैं और काफ़ी सारी जानकारियां आपने दी है, और कुछ और भी सवाल हैं जो आपसे कर लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, फिर भी
आपसे जो सवाल है वो ये कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप विश्वविद्यालय में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 10+2 से जो पास हुए बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय का रुख करते हैं, कॉलेज से जाते हैं, किस तरह का एक्सपेक्टेशन होता है कि छात्र किस तरह से आएं और वहाँ किस तरह के कोर्सेज हों जो विश्वविद्यालय में उनको मिले, तो विश्वविद्यालय के लिए भी स्थिति अनुकूल होगी, क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपको कॉलेजों से और जो जो उसके निचले स्तर के शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ से छात्र एक तरह से तैयार होकर आते हैं विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय की क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं? पहली बात तो मैं जल्दी से आपको वो जो आपने एक सवाल पूछा था कि रीजनल लैंग्वेज की, वहां से भी शुरू कर लेता हूं क्योंकि मेरे मन में भाव है वो बताने का। जी जी, देखिए रीजनल लैंग्वेज में जो सिलेबस होगा उसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है तो आत्मविश्वास जगता है, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया है कि आप दूसरी भाषाओं को ना जानें। उदाहरण के तौर पे अभी मैं अगर अरुणाचल की बात करूं तो हमारे पास अपने अरुणाचल में जो 26 के आसपास मेजर ट्राइब हैं और बाकी वो जो अदर ट्राइब्स हैं, तो हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट अभी बहुत तैयार नहीं है, तो मातृभाषा तो इनकी हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है। इसकी वजह से बच्चा या तो असमीज में पढ़ सकता है या तो अंग्रेजी में पढ़ सकता है या देवनागरी लिपि में पढ़ सकता है, तो यहाँ की अपनी मुश्किलें दूसरे तरीके की हैं। लेकिन अब बात करें, मान लीजिए हम आसाम की बात करते हैं और माने हम लोगों ने बच्चे को असमीज भाषा में पढ़ा दिया और बच्चा वहां से मास्टर्स डिग्री या पीएचडी करके चला गया, दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहा है, तो दिल्ली में नौकरी ढूंढ रहा है तो वो असमीज भाषा में तो वहां पढ़ाएगा नहीं, या तो हिंदी में पढ़ाएगा या इंग्लिश में पढ़ाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों को सही पर्सपेक्टिव में चीजों को समझना होगा। रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का मकसद सिर्फ आत्मविश्वास जगाने से है, ना कि ज्ञानवर्धन की बात हो रही है। और अभी जो चुनौती हमारे सामने खड़ी है उसमें किताबों की है, बहुत सारी किताबें अभी लिखी जा रही, AICTE NCTE सभी लोग अपनी तरफ से किताबें लिख रहे हैं, लेकिन शायद इसमें 10 वर्ष का जो समय है वो भी कम पड़ेगा, तो ये अभी दूर की बात हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि रीजनल लैंग्वेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चे में आत्मविश्वास जगाने का है, ना कि उसको ये बताने का है कि तुम दूसरी भाषा मत पढ़ो या मत जानो, वरना वो बच्चा आगे चल के कमजोर हो जाएगा। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि अगर वो सिर्फ हिंदी भाषा ही जानता है और वो किसी ऐसे क्षेत्र में आ गया, दक्षिण भारत के किसी प्रदेश में पहुंच गया, तो वो कैसे काम करेगा। इसलिए मैंने ये कहा कि भाषा जानना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि बच्चे से हम उम्मीद क्या करते हैं। देखिए बच्चा कक्षा 12 तक का सिलेबस जो पढ़ के आता है उसमें जिज्ञासा का थोड़ा अभाव सा हो जाता है। अभी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं या शिक्षा मंत्रालय अभी देखने की कोशिश कर रहा है, वो ये कह रहा है कि बच्चे में जिज्ञासा होनी चाहिए, तो इसीलिए वो 5+3 का जो कॉन्सेप्ट आया है वो स्किल और जिज्ञासा से जुड़ा हुआ एक करिकुलम बनाया गया जी। हम बच्चे से जिज्ञासु होने की उम्मीद करते हैं, तो ये जो CUET का एग्जाम होगा इसमें एक कंपोनेंट ऐसा भी होगा कि बच्चे का फिर वो हम जिज्ञासा का भी टेस्ट कर सकते हैं, और जिज्ञासु बच्चे हमेशा अच्छा कर पाते हैं, ये एक पेडागोजी है। तो उसके लिए हम जो उम्मीद करते हैं कि बच्चों को क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में जी, या जो नया कॉन्सेप्ट आएगा उसमें जिज्ञासा जगाने की कोशिश की जाएगी, जिससे वो बच्चे जिज्ञासु बन के यूनिवर्सिटी में ज्यादा ज्ञान अर्जित करें और उसका अप्लीकेशन पार्ट समझ सकें। अभी आप देखेंगे कि हम उसको फार्मूला तो सब बताते हैं और वो रट के एग्जाम में 90% मार्क्स भी ले आता है, लेकिन उस ज्ञान को वो एप्लीकेशन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसकी भी एक कोशिश हो रही है और अभी मैपिंग करने की भी कोशिश होगी सभी स्टेट में, एक सेंटर पर आया। समय समाप्त हो चला है सर, लेकिन हम आपकी बातों को समझ गए हैं, फिलहाल इस चर्चा को विराम देना होगा, लेकिन आज के इस खास कार्यक्रम के लिए हम सबको धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि NEP समय की मांग है, आने वाले दिनों में सबको दो चार होना पड़ सकता है, तो NEP को बारीकी से समझना जरूरी है, और आज हमारे साथ जो मेहमान थे उन्होंने जो बातें बताई हैं उस पर गौर करना होगा शिक्षकों को भी और छात्रों को भी। हम इसी तरह के और भी कार्यक्रम करते रहेंगे और NEP पर लोगों को जागरूक करते रहेंगे। फिलहाल आप सबका इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।